बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर वन का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। के लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट्स से ह्यूमन बीइंग्स की कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई हुई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स के एग्जांपल को स्पेसिफिक बनाकर हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग्स बनाया, बेसिकली ह्यूमन बीइंग की कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन बीइंग किन किन एलिमेंट्स किन किन मैटर से मिलकर बना और कैसे कैसे बना है, कौन से स्टेप्स या लेट्स सपोज कौन से लेवल्स को क्रॉस करके बनाए। पहले पहले हमारे पास है सब अटोमिक लेवल, एक एक डिटेल से डिस्कस करते हैं सब अटोमिक लेवल। याद रखें, सिंपल इज दैट, हम क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रेड से आप पढ़ते जा रहे हैं कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होकर एटम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक लेवल, यानी स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइंड होकर न्यूक्लियस और शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स और सिंपल इज दैट एटम बना देता है या एलिमेंट बना देता है, ठीक है। एटम, सो बेसिकली देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो 16 वो ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में यूज होते हैं, ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बायो एलिमेंट्स उसको बेसिकली बोलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, इस तरह ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है। इस तरह कुछ केसेस में सोडियम पाया जाता है एटसेट्रा, कैल्शियम पाया जाता है, लेट्स सपोज मैग्नीशियम पाया जाता है स्मॉल केस में। सो कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, इन सबको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, सिक्स जो मेजर एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट में, जो मेजर पोर्शन है ये एलिमेंट्स कवर करते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक लेवल है, यानी एटम्स, अल्लाह ने इंसान को एटम से बनाया। कैसे बनाया? एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब चूंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सो ह्यूमन बीइंग में पाए जाने वाले या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? शाबाश, बायो मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लाइफ में पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, उसको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और दूसरा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली लेट सपोज जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेट सपोज ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिमिलरली जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, ठीक है। सिमिलरली विटामिंस हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बॉडी में पाए जाते हैं, अल्लाह ने इंसान को मैक्रो मॉलिक्यूल्स से और माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बनाया। सो दोबारा देखें, सब एटॉमिक लेवल एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के टू टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इधर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ऑर्गेनेल बनाते हैं। ऑर्गेनेली सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर होता है। सेल क्या होता है, ये समझाता हूँ। सो उस उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकांड्रिया,
एक ऑर्गेनेली है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता पाई जाती है और उसका काम प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली जो दूसरा राइबोसोम्स है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज गॉल्जी बॉडी बेयर का ऑर्गेनेल है, हम चैप्टर नंबर 4 में इन तमाम ऑर्गेनेल्स को काफी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है उनके बीच में, किसी का काम खुराक बनाना, किसी का काम एनर्जी बनाना, किसी का काम प्रोटीन बनाना, किसी का कोई काम, किसी का कोई काम, वो ऑर्गेनेल मिलकर आपस में सेल बनाते हैं। सबको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होता है। तो सेल में बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलकर आपस में डिफरेंट सेल बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपस में मिलकर सेल बनाते हैं। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल बना देते हैं। लिविंग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके बाद बस सेल के आगे नहीं जाते, क्योंकि यूनिसेलर मतलब एक ही सेल, ठीक है। सो वही एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है, पूरा ऑर्गेनिज्म सेल के फॉर्म में बन गया, ठीक है। जबकि मल्टी सेलर के केस में आगे सेल से दोबारा मजीद टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म इस तरह और आगे हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनिसेलर के केस में बस यहां तक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, यहां तक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यानी डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स आ रहा है, बोसोम हो गया, ठीक है, और हमारे पास लेट सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, और माइटोकांड्रिया हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलकर आपस में सेल बना दिया। तो यूनिसेलुलर के केस में यहां तक बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर के केस में इससे मजीद और स्टेप्स भी हैं और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, या इन केस ऑफ प्लांट जो है जाइलम टिश्यू है, ठीक है, जो जाइलम सेल के से मिलकर बने होते हैं, फ्लोएम टिश्यू है जो फ्लोएम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ सिमिलर सेल्स जिसका सेम फंक्शन होता है उससे एक टिश्यू बनता है। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, डिफरेंट सेल्स हैं आपस में मिलकर ब्लड एक किस्म का टिश्यू है, ठीक है। इस तरह कनेक्टिव टिश्यू जो हम आगे चैप्टर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू और हर किस्म के टिश्यूज है ना कवर करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास टिश्यू आ गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हो जाते हैं। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, सिमिलर या डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आई ऑर्गन है, ठीक है, नोज एक ऑर्गन है, हर्ट एक ऑर्गन है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं और मस्कुलर टिश्यूज हैं और एपिथेलियल टिश्यूज हैं, लेट्स सपोज मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलकर जो है ना एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। जबकि इनके सब प्लांट्स मुख्तलिफ कॉर्टेक्स और फला एपिडर्मल टिशू और लोअर एपिडर्मस और मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ज़ाइलम सॉरी लेट्स सपोज लीव बना देते हैं, मुख्तलिफ टिशू मिलकर आपस में एक लीव एक पत्ता बना देते हैं, ठीक है, एक ऑर्गन है, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन्स, अच्छा, हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। आप ह्यूमन बीइंग को कंसीडर कर ले, आई का अपना फंक्शन है, नोज का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स। नाउ रिमेंबर ऑर्गन्स जो है डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और कौन सी सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ रेट सपोर्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन इंटर कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नोज, फेरेंस और एसोफेगस, फेरेंस, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर,
एनआरसी مختلف ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में مختلف ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स और مختلف किस्म के सॉरी न्यूरॉन तो सेल है बाय द वे, مختلف ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, सो ये ऑर्गन सिस्टम। नाउ रिमेंबर, ऑर्गन सिस्टम مختلف ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में मुख्तलिफ सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम, चौथा लेट्स सपोज ब्रीदिंग सिस्टम, पांचवा लेट्स सपोज एक्सक्रीटरी सिस्टम और फला सिस्टम और फला सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम से मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग यानी इंसान या कोई और प्लांट बन जाता है। ठीक है, सो मुख्तलिफ सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल बना देते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल आपस में कम जो है ना, इंडिविजुअल जब सेम स्पीशी लिविंग इन द सेम एरिया इन द सेम कंडीशन से बन जाता है पॉपुलेशन, यानी लेट्स सपोज सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स जो एक जगह पे रहते हैं, एक ही लोकेशन पे एट द सेम टाइम रहते हैं, सेम सोर्सेज यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सेम खुराक इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसे और एट द सेम टाइम इन द सेम प्लेस, सो ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट्स बिल्लियां एक स्पीशी है, बहुत ज्यादा कैट्स इकट्ठे एक जगह पे रहती हो, एक टाइम पे रहती हो, ठीक है, सेम रिसोर्सेज यूज करते हो, ठीक है, सेम स्पीशीज हो, कोई उसमें अनदर स्पीशीज ना हो, ठीक है, सो वो एक पॉपुलेशन बन जाता है। इस तरह ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन अलग, कैट्स का पॉपुलेशन अलग, डॉग्स का पॉपुलेशन अलग, गोट्स का पॉपुलेशन अलग, प्लांट्स का पॉपुलेशन अलग, स्पेसिफिक एक स्पीशी ऑफ प्लांट का पॉपुलेशन अलग, ये पॉपुलेशन बनता है। ग्रुप ऑफ स्पीशी लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम शेयरिंग सेम रिसोर्सेज, ठीक है, सो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। याद रखिए डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर आपस में कम्युनिटी बना लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कैट्स की स्पीशी भी है, डॉग्स की स्पीशी भी है, ह्यूमन बींग्स की स्पीशी भी है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट एक पूरा वो कम्युनिटी कहलाता है। लेट सपोज हम फॉरेस्ट को देख लेते हैं, उसमें प्लांट्स की पॉपुलेशन भी है, ठीक है, फॉक्स की पॉपुलेशन भी है, गोट्स की पॉपुलेशन भी है, डियर की पॉपुलेशन भी है, और शेर की पॉपुलेशन भी है, टाइगर्स की पॉपुलेशन भी है, और जो है ना चूहों की पॉपुलेशन भी है। ये मुख्तलिफ जो है ना पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बना देते हैं। ठीक है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बना देते हैं। इस तरह लेट्स सपोज ऐसा मोहल्ला है जिसमें कैट्स की पॉपुलेशन भी है, डॉग्स की पॉपुलेशन भी है, या डेजर्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, उसमें जो पॉपुलेशन लेट्स सपोज स्नेक्स की पॉपुलेशन है, स्कॉर्पियंस बिच्छुओं की पॉपुलेशन भी है, कैक्टस प्लांट्स की पॉपुलेशन भी है, लेट्स सपोज कोई जो डेजर्ट एनिमल्स है उसकी पॉपुलेशन भी है, कैमल्स की पॉपुलेशन भी है, और थोड़े बहुत लेट्स सपोज ह्यूमन बीइंग्स में रहते हैं, तो ये पूरा डेजर्ट एक कम्युनिटी है। ठीक है, और ये सारे पॉपुलेशन जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ कम्युनिटीज आपस में मिलकर बायोस्फेयर बना देते हैं। बायोस्फेयर आप कंसिडर कर लें पूरी की पूरी दुनिया, जिस जहाँ पर पूरी दुनिया का वो हिस्सा, वो कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बायो एक स्फीयर बनाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो बायोस्फीयर में क्या होता है, पूरी की पूरी दुनिया आप कंसीडर कर लें, पूरी की दुनिया का वो हिस्सा जहां पर जानदार मौजूद है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजूद मौजूद है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, सो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। सिंपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसानों को बनाया है, कि सब एटॉमिक लेवल से एटम से जो है ना मॉलिक्यूल्स से मैक्रोमॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनेल्स से सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा इंडिविजुअल जब सेम जगह रहते हैं वो पॉपुलेशन, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिल जाए कंबाइन हो जाए तो कम्युनिटी कहलाते हैं, और सारे कम्युनिटीज आपस में मिल जाए तो वो एक बायोस्फीयर यानी पूरी दुनिया या प्लेनेट अर्थ का लिविंग पार्ट कहलाता है। ठीक है,
आई होप इंशाल्लाह सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गई होगी कि ह्यूमन बीइंग में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे डिवीजन हुई हुई है इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, या इसके एक दो टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर के, वो खत्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।